हाय फ्रेंड्स माय नेम इज ए टेलीगुरु वेलकम बैक माय चैनल माय एन कंप्यूटर चैनल आर इन्वाइटेड फ्रॉम एनी फ्रेशर हु नेवर हैंडल कंप्यूटर इन दिस वीडियो आई गोंट शेयर विथ हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको याद होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जिसमें डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग को प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेज के बारे में और हमने बताया था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं आप लोग को तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या इसको समझने के लिए आपको एक बात हम बता रहे हैं सबको जानता है हम जानते हैं कि लैंग्वेज मतलब होता है भाषा अगर हमको किसी से कम्युनिकेशन करना है दो तो पार्टी के बीच कम्युनिकेशन करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है सपोज so दैट कोई चाइना से आता है इंडिया में अगर वो चाइनीज़ हमसे बात करता है अपनी लैंग्वेज में तो क्या हम समझ सकते हैं नहीं अगर हम बात करते हैं अपने भाषा में तो क्या वो मेरी बात समझ सकता है नहीं उन लोगों को समझने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जो इंग्लिश है जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कॉमन है तो उसी प्रकार सिमिलरली आपको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए जिससे हम किसी भी कंट्री के लोग हो उनसे हम बात कर सके कम्युनिकेशन कर सके आज कम्युनिकेशन की देन है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से बात कर रही है अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखिए कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर जो होता है उसको फिल कर सकते हैं और ये दोनों के मिश्रण से कॉम्बिनेशन से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है एक्चुअली में कंप्यूटर जो है वो नहीं समझता है इंग्लिश हिंदी मैथ तमिल मतलब कि कहने का मतलब है कि वो कोई भी लैंग्वेज को समझता नहीं हम लोग जो बोलते हैं वो सिर्फ समझता है जीरो और वन को जीरो वन दैट मीन्स वो ऑन और ऑफ को समझता है और जितने भी कोडिंग किया जाता है मतलब प्रोग्रामिंग किया जाता है उसको जीरो और वन में किया जाता है तब वो इस चीज को समझता है अब वो आंसर भी देता है जीरो वन में समझते कैसे हैं तो ऐसा है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पहले बाइनरी कोड में लिखा जाता था और वो उसका आंसर उसी में देता था इसके लिए ट्रांसलेटर बना कंपाइलर बना इंटरप्रेटर बना इसके बाद आपको असेंबली लैंग्वेज भी है बना तो इसकी बात हम बहुत डिस्कस करेंगे बहुत लंबा चल कहानी है बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू समझता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं सी लैंग्वेज में सी प्लस प्लस में जावा में पैथन में इस प्रकार होता क्या है ये सी लैंग्वेज क्या है अब सी प्लस प्लस क्या है जावा क्या है ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम अपने भाषा में लिखते हैं भाषा दैट मीनस इंग्लिश मीडियम से लिखते हैं हम समझते हैं इस चीज़ को लेकिन एक ट्रांसलेटर होता है वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में मशीन लैंग्वेज में जीरो वन में कर देता है कंप्यूटर उसको समझ लेता है और फिर रिस्पॉन् मतलब आपको ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में देता है आपको मैं इसे पहले बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा जो भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है बढ़ सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बना हुआ है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी के यूज करके बना होगा या सी प्लस के यूज करके बना है तब वो सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है जिसको बोलते हैं विंडोज सेवन इंटरटेन मैक यूनिक्स लिनक्स पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते थे वो जीरो वन में लिखे जाते थे लेकिन जब से सी आया कमाले हो गया अरे कमाल क्या हो गया कि हम अपनी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने लगे और बनाने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो चीज तुमको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए प्रोग्राम चाहिए और एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए क्योंकि जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट करता है वहीं पे अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मशीन को ये फुल बना देता है कि आप वर्क कीजिए वर्ड कीजिए एक्सेल कीजिए और पेंट कीजिए बहुत सा सॉफ्टवेयर है आपका मोबाइल जो है ऐप से भर गया है वो क्या है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का कंप्यूटर समझता है तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके हम बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो अब समझ में आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना महत्वपूर्ण है मैं तो बोलता हूं कि हर कोई को चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो कोई भी हो आज विल गेट्स जो डेवलप किए हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो बनाए अब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है इसको समझना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सीख लेते हैं तो आपको कितना फायदा होगा मालूम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से हम कोई सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं हम मोबाइल के लिए एप्स बना सकते हैं अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानकारी रहेगा तो हम वेबसाइट बना सकते हैं मतलब कि कंप्यूटर का कॉमन लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों से तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है सिंपल वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सीखना बहुत आसान है मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को आपको क्या करना होगा देखिए आपको पहले फ्लो चैट सीखना होगा एलोग्रिदम सीखना होगा अब आप पूछेंगे फ्लो क्या है एलोग्रिदम क्या है मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ मेरा क्लासेज ये सीरीज जो चल रहा है कि हमको कंप्यूटर सीखने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए okay, क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए मैंने बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आज बता रहे हैं तो फ्लो चैट की कोई बात को चित्र द्वार दिखाते हैं उसको फ्लो करते हैं सपोज दैट कि हमको टू प्लस टू ऐड करना है ओके okay? समझ रहे हैं टू प्लस टू को ऐड करना है तो हम पहले बताएंगे कि हम पहले इनपुट कराएंगे ए फिर इनपुट कराएंगे बी मतलब इनपुट कराएंगे क्या ये ए में कोई वैल्यू डालेंगे बी में कोई लेंगे और सी में C इज इक्वल टू ए प्लस बी इसके बाद आंसर दे देंगे C का क्या होगा तो स्टेप स्टार्टिंग होगा आपका कि इनपुट करे A का वैल्यू इनपुट करे B का वैल्यू हम दो वैल्यू देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा कि उसको प्रोसेस कर देगा A प्लस बी को C में और C वाला रिजल्ट दिखा देगा तो फ्लो जो होता है आपका ये फ्लो बहुत कमाल का चीज है फ्लो चार्ट के द्वारा आप फ्लो चार्ट के द्वारा आप लॉजिक डेवलप करते हैं लॉजिक दैट मीन्स कि कैसे कैसे प्रोसेस करेगा एलोग्रिडम और फ्लो चार्ट, आप बता रहे हैं कि बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो फ्लो चार्ट को दम खा जाइए चबा जाइए एलोग्रिडम को और दूसरा कोई उपाय नहीं है खूब मेहनत कीजिए पेन कॉपी लेके बनाई बनाइए अब देखिए नेट पे सर्च कीजिए फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है हाउ टू मेक ए फ्लो चैट एलोग्रिदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख जाएंगे सी सी प्लस नहीं सीखेंगे तो हम हैं लिए हम बताएंगे आपको सी क्या होता है सी प्लस प्लस क्या होता है जावा क्या होता है आपको मालूम है आप जो डेवलप करते हैं ऐप्स देखिए हम इधर दिखा रहे हैं आपको हमने आपका पूरा सिलेबस का इसमें रख दिया है कि क्या क्या एक पढ़ने के लिए आपको चाहिए आपको हम बता रहे हैं आ रहे हैं आपको आपको फोटोशॉप ये तो वो हो गया देखिए एक मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए आपको जावा आना चाहिए जावा क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम जितने भी आप ऐप्स लो मोबाइल में देख रहे हैं वो जावा से बना हुआ है एक्स एम एल से बना हुआ है अब एक्स एम एल क्या है ठीक बाद में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जावा जो है ये अगर सीखे हैं तभी तो आप मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे विदाउट कोडिंग का भी होता है लेकिन इसके बारे में हम आज का क्लास ये नहीं है हमारा तो आज का क्लास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपको मोबाइल का ऐप डेवलप करना है आपको कोई वेबसाइट बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए 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 आपको प्रोग्रामिंग सीखना ही होगा दुनिया में जितना भी डेवलप हो रहा है सॉफ्टवेयर वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है इसको समझना होगा अगर हम नहीं समझते हैं तो सिर्फ 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 हम यूज करेंगे मोबाइल को समझ रहे मेरी बात को कि हम व्हाट्सएप चलाएंगे फेसबुक चलाएंगे हम ऑडियंस बन के रह जाएंगे अरे ऑडियंस नहीं बनना है हमको कुछ करना है प्रोग्रामिंग लगाना सीखिए हर कोई सीखिए क्योंकि आप डेवलप कीजिए व्हीलग्स बनिए आप हाँ सबको व्हील नहीं बन सकता है लेकिन हम तो ना पूछ सकते हैं ना कैसे बनता है क्या होता है कुछ डेवलप कर जाए कोई प्रोग्राम बना दें प्रोग्राम क्या है प्लान है प्लान कैसे बनाएंगे आप आपके पास सोच होना चाहिए तो सोच क्या है ये सी लैंग्वेज है सी प्लस प्लस है जावा है और सी लैंग्वेज सीखने के लिए या सी प्लस सीखने के लिए मैंने बताया फ्लो चार्ट का यूज कीजिए तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबके लिए हम बार बार कहते हैं कि हर कोई को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना यूज है इतना मांग है इतना डिमांड है कि आप वेब डेवलप करेंगे इससे आप को क्या बताएं आपको देखिए ये जो हम डिस्कस किए थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ये सब इसी से डेवलप हुआ है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है हर कोई को कि कोई हम लोग सिर्फ ऐप न डाउनलोड करें हम लोग खुद उसका यूज ना करें बल्कि हम बनाए बनाए कि दूसरा कोई यूज करे इससे हैं बोलता है हाउ टू मेक सॉफ्टवेयर तो जब हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ये सब और प्रोजेक्ट आपको देंगे असाइनमेंट देंगे तो आज का मेरा लैंग्वेज में यही बताना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या थैंक यू watching for my video. Okay, bye bye.